अरे बहुत जाम रहता है भैया, इतना जाम रहता है कि हम लोग का हालत खराब रहता है एकदम। कोई विकल्प नहीं ना है जो क्या करेगी सरकार अभी? कुछ ऑफिस के टाइम में या फिर शाम के टाइम में मार्केट के टाइम में ऑलमोस्ट यही हाल रहता है। मतलब अगर 3 घंटे का क्लास है तो 3 घंटा हमारा आने जाने में ही चला जा रहा है। हम लोग कमा नहीं पाते। प्राय तौर पे जब भी हम आते हैं बहुत जाम मिलता है यहाँ पे, हमेशा हमारा 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे जरूर लगना। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास। आप देख सकते हैं कारगिल चौक के पास से अगर आप NIT की तरफ जा रहे हैं तो कितना भीड़ का सामना, कितना जाम लगता है यहाँ मेट्रो के काम की वजह से। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी लंबी कतार लगी हुई है गाड़ियों की। अब इसके वजह से लोगों को कितना, आप यहाँ देख सकते हैं एम्बुलेंस भी लगी हुई है, एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। इसके लिए चलकर यहाँ पे लोगों से बातें करेंगे कि क्या इनके साथ दिक्कतें आ रही हैं। कितना मतलब जाम रहता है इस रूट में? अरे बहुत जाम रहता है भैया, इतना जाम रहता है कि हम लोग का हालत खराब रहता है एकदम। जब से मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ है तब से अभी से जाम रहता है ज्यादा। इसके लिए सरकार क्या कर सकती थी? सरकार का बस कोई विकल्प नहीं ना है जो क्या करेगी सरकार, अभी कुछ नहीं कर पाएगी। तो चलिए इसके बारे में चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा। शहबाज। इस रूट में रोज लगभग इतनी जाम रहती है सर? ऑफिस के टाइम में या फिर शाम के टाइम में मार्केट के टाइम में ऑलमोस्ट यही हाल रहती है। मतलब इतना भीड़ का सामना रोज आपको करना पड़ता है? लगभग करना ही। चलिए तो चलकर और भी लोगों से इसके बारे में बातें करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, अपना नाम बताइएगा। समृद्धि। क्या लगता है मतलब रोज इस टाइम में यहाँ पे इतना ही जाम लगती है? हाँ डेली लगभग, मेरा तो क्लास भी लेट हो जाता है इसकी वजह से। मतलब आपका क्लास भी लेट हो जाता है इसकी वजह से? तो इसके लिए सरकार क्या कर सकती थी? पहले दूसरा रूट बनाना चाहिए था, पहले तो खासकर स्टूडेंट और मेडिकल के लिए, ताकि वो ईजिली जा सके। हमें उल्टा ओवर टाइम करना पड़ता है। मतलब अगर 3 घंटे का क्लास है तो 3 घंटा हमारा आने जाने में ही चला जा रहा है। मतलब जब से मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ तब से बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? बहुत ज़्यादा, और फेस्टिवल में तो पैदल भी चलने का जगह नहीं मिल रहा था। लगता है कि इस रूट में रोज ही इतना जाम लगता है सर? अक्सर लगता है। यहाँ जो ऑटो चालक है उनसे ही बातें करेंगे। सर बताइएगा। हाँ लगता तो है, बहुत जाम लगता है। तो क्या जब से मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ है तब से मतलब इतना जाम लगना बहुत हुआ? बहुत, जब से स्टार्ट हुआ तब से जामे लगता रहा। इसके लिए सरकार क्या कर सकती थी? क्या कर रही है वही बेगाड़ी। चलिए चलकर इसके बारे में और भी लोगों से, आप मेरे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को जाने में यहाँ से दिक्कतें होती हैं। और चलकर मैं और भी लोगों से बातें करूँगा। क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? सबसे ज़्यादा ऑटो वालों को दिक्कत होता है। सबसे ज़्यादा ऑटो वाले को दिक्कत होता है? हम लोग कमा नहीं पाते। चलिए तो इसके बारे में और भी लोगों से बातें करेंगे। आप जैसे कि देख सकते हैं कि कितना लंबा जाम है यहाँ पे, लोगों को अपने घर जाने रहते हैं, ट्यूशन जानी रहती है, तो इसमें लेट होता है। इसका कोई ना कोई मतलब एक उपाय निकलना चाहिए, तो इसके बारे में बातें करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा। प्रभात कुमार। मतलब रोज इस रूट में इतना जाम रहता है? हाँ अभी मेट्रो की वजह से तो रहता ही है। तो इसके लिए सरकार को क्या करनी चाहिए? ये काम खत्म हो जाएगा तो अपने आप ये ठीक तो हो ही जाएगा, मेट्रो का काम खत्म होते ही ठीक हो जाएगा ये। चलिए तो चलकर जैसा कि अभी आपने सुना कि ये अभी अपने ट्यूशन जा रहे थे, इनको उसमें भी लेट होती है, रोज का मतलब जिनका आना जाना है तो बहुत इन लोगों को परेशानी होती है मेट्रो के काम की वजह से। सरकार को इसके बारे में थोड़ी सोचनी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस रहना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पे जाम ना लगे। चलिए और भी लोगों से बातें करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा। अभिमन्यु कुमार। या क्या इस रूट में हमेशा इतना जाम रहता है? ये तो अभी रहेगा ही सर, जब तक काम नहीं होगा जब तक चलता ही रहेगा। कि ये लोग को कितनी तरह की दिक्कतें होती हैं सर, क्या रोज मतलब इस रूट में इतना जाम लगता है? जी हाँ, जब से मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ तब से मतलब आप लोगों को जाम का सामना करना पड़ता बहुत, है बहुत बहुत। चलिए तो इसके बारे में आकर और भी लोगों से बातें करेंगे। सर क्या मतलब इस रूट में रोज इतना जाम लगता है? बिल्कुल हाँ, प्राय तौर पे जब भी हम आते हैं बहुत जाम मिलता है यहाँ पे, हमेशा हमारा 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे जरूर लगना। तो इसके बारे में सरकार को कुछ तो सोचनी चाहिए। सरकार हाँ लग तो नीरा कुछ सोच रही है, सोचे तो बेहतर है हमारे लिए, टाइम सेविंग होगी, हम ऑफिस जाने वाले लोग हैं तो जिसके कारण आपको ऑफिस में भी लेट निकलना पड़ता है, जल्दी निकलना पड़ता है, पहुँचते भी लेट है, दिन का हमारा 1 घंटे का दिल्ली की बर्बादी ऐसे हो जाती है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि जाम के वजह से लोगों को बहुत तरह की परेशानी हो रही है, किन्हीं को कॉलेज जाने में लेट होता है तो किन्हीं को ऑफिस जाने में, यहाँ तक कि मैंने आपको अभी कैमरे के माध्यम से आपको एम्बुलेंस भी दिखाया कि एम्बुलेंस भी यहाँ पे फंसा हुआ था, इसके लिए सरकार को थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ पटना।